हे गाइस, वेलकम बैक टू कूल टॉप 10 वीडियोस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज स्पिरिट्स विला में हमें टास्क देखने को मिलेगा। वो टास्क यहाँ पे तीन कपल्स के बीच में होगा, सिवित अनिका, दिग्विजय कशिश और यहाँ पे जसवंत आकृति। इन तीनों के बीच टास्क होगा। यहाँ पे जसवंत आकृति वो टास्क जीत जाएंगे और सीधे सीधे टिकट टू फिनाले पाकर फिनाले में एंट्री कर जाएंगे। अब यहाँ पे दिग्विजय कशिश सेकेंड आएंगे और अनिका सिवित थर्ड आएंगे। इसका मतलब साफ है कि अगले डोम सेशन में हमें जो जसवंत और आकृति सेफ साइड पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद चार कपल यहाँ पर हमें वो डेंजर जोन में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमें एक कपल का यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सुबी और लक्ष्य का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, सुबी और लक्ष्य का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर एलिमिनेशन की बात करें तो उसके बाद कोई भी डोम सेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता ही होगा, ये लास्ट डोम सेशन है। उसके बाद सीधे सीधे फिनाले हमें देखने को मिलेगा और चार पाँच कपल यहाँ पर फिनाले में एंट्री करेंगे। सिवित अनिका, दिग्विजय कशिश, जसवंत आकृति, हर्ष रूसाली और अरबाज नायरा, ये पांच कपल होंगे जो फिनाले में एंट्री करेंगे। उसके बाद इन पांचों में जो जो कपल हारता रहेगा वो एलिमिनेट होता रहेगा। लास्ट कपल की बात करूँ तो वो अरबाज नायरा होंगे जो पांचवें नंबर पे आएंगे। चौथे नंबर की बात करूँ तो या तो हर्ष रूसाली होंगे। तीसरे नंबर पर अनिका सिवित होंगे। तो दूसरे नंबर और पहले नंबर की रेस होगी, या तो दिग्विजय कशिश होगी या फिर जसवंत आकृति। इनमें से कोई एक कपल होगा जो फिनाले जीतेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि कशिश यहाँ पर मनी लेके चली जाएगी, जैसे बिग बॉस में होता था। हर साल किसी कंटेस्टेंट को बिग बॉस कहता था कि तुम इतने पैसे ले लो और ये शो छोड़ के चले जाओ। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमें डोम सेशन में देखने को मिलेगा, अल्टीमेट ट्विस्ट के तौर पे। शायद अगर ऐसा होता है और कशिश यहाँ पे पैसे लेके चली जाती है तो दिग्विजय यहाँ पे एलिमिनेट भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भी कपल नहीं होगा। या फिर ऐसा होगा कि वो उन्नति को दिग्विजय के साथ पैरअप कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अब अल्टीमेट जो ट्विस्ट आने वाला है उसमें यहाँ पे जितने भी सारे कंटेस्टेंट थे वो वापस आ जाएंगे स्पिरिट्स विला के अंदर। ऐसा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि होगा क्या कि कशिश यहाँ पे पैसे लेके चली जाएगी, लेकिन जो उन्नति होगी उन्नति को यहाँ पे दिग्विजय के साथ पैरअप कर दिया जाएगा और ये पांच के पांच कपल यहाँ पे फिनाले में जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा सोर्सेस से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब कितनी बहुत सारी साइट यहाँ पे दिग्विजय को विनर बता रही है स्पिरिट्स विला 15 का, और कई यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग जसवंत आकृति को विनर बता रहे हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायसनेस स्पिरिट्स विला वाले दिखा रहे हैं और आकृति को विनर बना रहे हैं, मतलब आकृति का सपोर्ट कर रहे हैं, आकृति को हर हाल में आगे पहुँचा रहे हैं। मुझे लगता है आकृति को लेकर वो काफ़ी खुश है, क्योंकि जब से उसने सिवित का एलिमिनेशन किया है तब से उनकी TRP बहुत ज़्यादा बूम हो गई है, और यही रीज़न है मुझे लगता है इस सीज़न के विनर आकृति और जसवंत होंगे। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।